मेरा नाम संत गुरबचन सिंह है। साड़ी हर साल ही फसल मरती है, करीबन 4000 एकड़ साड़ी जमीन मरती, कणक भी मरती 1000 किला, तो साड़ी ये मरती है जीरी भी घट तो घट 4000-5000 किला साड़ी अज जीरी मरी खली हर साल मरती है। असी सरकार तो ये बेनती की सानू पाइपलाइन पा के घग्गर च दी जाए 4 फुट चौड़ी मंजूर की। बाद दे विच की होया ये चंडीगढ़ साड़ी फैल चलेगी चीफ साहब कोलो, असी वार वार उन्हों बेनती करते रहे भी साड़ी ये पाइपलाइन के पैसे पा दो। करीबन उन्होंने मैं 100 फोन किया घट तो घट, कल फोन किया तो महकमे थले उन्हें फोन करता भी बाबा जी ने आखो भी फोन ना करे, असी इनकी हुण पाइपलाइन पा देनी है। जदों साड़ी पाइपलाइन का पैसा ही नहीं मंजूर होया कित्थों पा देणगे, साड़ी कोई सुनवाई नहीं, कोई साड़ी गल सुनदा नहीं, साड़े निक्के निक्के बच्चे ने, सारा परिवार साड़ा कम से कम कई हज़ार परिवार है जिहड़ा इत्थे भुखमरी हिसाब दी है। जदों कणक भी नहीं होनी, झोना भी नहीं होना, फसल पिछे असी कणक मंग के लोगों नूं दित्ती, उन्हां दी किन्हां दी कणक मर गई ते तूड़ी दित्ती असी उपर ते जिमीदारां तों लै लै के, कर सरकार ने साडी कोई मदद नहीं कीती। इहदे विच फलड आया, फलड दे विच उह बंदिआं उहनां नूं पैसे देते जिन्हां दी मरी नहीं, जिन्हां दी फसल मरी है उहनां नूं नहीं मिले। इह पाणी कहदा है जिहड़ा थोड़ा, इह पाणी बरसाती आउंदा जी, पाणी हर साल दे साल नीवी पै लई है, उत्तों लोग पानी छड़ दिंदे ने थले आ जांदे। बरसाती पानी कहड़े कहड़े पिंडां तों आ रहा जी तुहाडे? इह पानी इह आउंदा नाई वाले तों, सतराणे तों, बादशाहपुर तक उहनां दी बंद सी बूटी अड़ गई, उहदा पानी सारा इत्थे आया। हुण उहने सानू पैण दा पानी भी मारदा, जोगे वाले का, नाई वाले का, सतराणे का, रसौली तक पानी इत्थे पुजदा। साडा नवाण आ गया, 32 दिनां तो पानी आउंदा, जेकर साडी पाइपलाइन पै जांदी है फिर सानू पानी ये मारदा नहीं गा। ये सरकार की नंगैली करके असी हर साल दे साल मरदे हां। प्रनीत कौर का ये एरिया ओनू असी वोटां पाने, कोई मौका वेखण नहीं आया, ना निर्मल आया मंत्री साडा, ना ਰਾਣੀ ਆਈ ਏ, ਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਗੀਆਂ ਜੇ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਅਸਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਈ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਘੱਗਰ ਦਾ ਬੰਨ ਅਸਾਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਗਰਾਈ ਲਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਬੰਨ ਵੱਧਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਆਪ ਤੱਕ ਡੁੱਬੋ ਮਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗਰਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸੌਲੀ ਤੱਕ ਬੰਨ ਵੱਧਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ? ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਫਟਾਫਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਤਕੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਘੱਗਰ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੀੜਤ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ 1000 ਏਕੜ ਫਸਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਲਵਾ ਕੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੇਬਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ 1.75 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ ਇਸ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ,
वो हर बारी असी साड़ी कदे पक्की पकाई फसल कदे लगी लगाई फसल हर बारी डुबदी है। असी तां दिन फाके कट्टण नूं होए आ, कदे साड़ी कणक डुब जांदी है, कदे साड़ा झोना डुब जांदा है, बुरे हाल बौंके दिहाड़े। जदों मंत्री तुहाडे कोल आंदे ने वोटां लैणे, एमएलए साहब आंदे ने, उदों तुहाडे सारे काम पूरे करदे ने, उस तों बाद तुसीं देखो जी वोटां पा देणे हो। हां जी हां जी, देखो जी एक गल साफ है, वोटां वेले उह आउंदे ने, मुड़ के साडी सार नहीं लैंदे। वोटां वेले साडे भोले भाले लोक ने, असीं वी भोले भाले आ, गुमराह हो जांदे आ। आ साडी आ लाइन पाइपलाइन पा दो जी, बस इह ते बण गई जी, हुणी बना देनी है, हुणी बना देनी है। असीं भोले भाले पेंडू बंदे आ, फिर उहनां दे वादियां दे विच फस के सब्ज बागां नूं वेखदे होए फिर असीं उहनां दीआं गल्लां दे विच आ के वोटां पा दिंदे। इत्थे ना कोई मंत्री आया जी हले तक, ना कोई महाराणी साहब आए ने, कोई नहीं आया हैगा। ईवन हले तक कोई प्रशासन अधिकारी SDM जां कोई तहसीलदार कोई नहीं किसे किस्म दा। हल ना होया इहदा, फिर हल ना होया जी, हुण असीं तां रोणा ही है। असीं अज इत्थे आ, कल नूं असीं नैशनल हाईवे ते जाम ला दांगे जे नहीं कोई आ के साडी बांह फड़ूगा। असीं प्रशासन तों मंग करदे आ, इक तां पाइपलाइन जल्दी पाया दित्ती जावे, दूसरे जिन्ना इह खराबा होया है SDM साहब तों असीं मंग करदे आ कि उह फौरन तहसीलदार साहब नूं, DC तहसीलदार साहब नूं भेजे। वह जिन्नी फसल खराब हुई है उन्हां दी बकायदा गिरदौरी करके पंजाब सरकार नूं भेजी जावे, तां कि पंजाब सरकार सानूं कुछ ना कुछ इहदा मुआवजा दे सके। मेरा नाम बलविंदर सिंह जी, मैं किसान हाँ जी, ते मेरा इधर खेत है, तुसीं देख रहे जी, ते सारा पानी नाल डुब्बिया हुआ, 4-4 फुट पानी है जी खेत दे विच। साडी समस्या अज दी नहीं, बहुत पुरानी समस्या है। जिहड़ा भी कोई लीडर आउंदा है, जो भी असीं उहदे अगे अप्रोच करदे हां भी साडे इत्थे पानी दा हल कीता जावे, पर साडा हल हल दा कोई मसला हल नहीं होया हैगा। ते पिछे असीं जिहड़ा इक इह जिहड़ा प्रपोजल गई सी इत्थों बण के पाइपलाइन दी, जिहड़ी घग्गर दे विच इत्थों जा के पैणी सी, उह सारा कुछ तैयार सी, ते जिहड़ी फाइल उह चंडीगढ़ तक पहुँच गई सी, ते अप्रोच लीडरां तक सारिआं तक असीं कीती सी, पर साडी उत्थे पहुँचण तों बावजूद इस पैसे ना पैण करके जिहड़ा साडा जिहड़ा प्रोजैक्ट जिहड़ा विच रहि गिआ हल्लोणा। इन्दे कई कारण ने जी, जिहड़ा बरसाती पानी आउंदा है, पहला इत्थे निकास है सी, पर जिवें जिवें सड़कां बणियां ने इह जिहड़ा निकास है रुक गया जी। मैं तुहानूं दसणा चाहांगा जी हल्लोणा, मैं तुहानूं दसणा चाहांगी इत्थों जिहड़ा बत्तीदार ने, बत्तीदारां तों पानी आउंदा है, इह जिथे आपां खड़े हां इत्थे 5 पुलियां ने, इस तों अगे नूरपुरा जोगियाला रोड उत्थे 5 पुलियां ने, गलाड़ तों खांग रोड ते 5 पुलियां ने, होतीपुर गलाड़ जिहड़ा रोड है उत्थे कोई पुली नहीं, पहलां थल्लों दी पानी निकलदा हुंदा बंद कर दित्ता है, कुछ लोगों ने उत्थे नजायज़ कब्जे कर लेने, जिस करके जिहड़ा पानी दा निकास बिल्कुल बंद हो गया है, ते पानी अगे जांदा नहीं, सारा पानी जिहड़ा इत्थे आके खड़ा हो जांदा है, जिंदे नाल जिहड़ी हजारां एकड़ जिहड़ी फसल है तबाह हो जांदी है। जदों इस हाँ जी की मंग तुहाडी हैगी, साडी इह मंग सब तों पहलां साडी मंग आ वी इत्थे जिहड़ी पाइपलाइन जिहड़ी मंजूर होई है उह जल्दी तों जल्दी कढ के इह जिहड़ा साडा हल कीता जावे। जे ना हल होया तां तुहाडा अगे प्रोटेस्ट की होऊगा? जे साडा मसला हल नहीं हुंदा तां असीं जिहड़े साडे जिन्ने भी किसान भरा ने उहनां नूं इकट्ठे करके असीं नैशनल हाईवे नंबर नूं 52 नूं जाम करांगे जी। कोई मंत्री संतरी कोई नहीं आउंदा जी, इत्थे कोई अधिकारी कोई अधिकारी नहीं आया। उहनां नूं फोन करदे आं, असीं फोन करके दसदे आं वी साडी स्थिति एवें दी हो गई है, उत्थे बैठे AC कमरिआं दे विच कह दिंदे ने कोई नहीं जी मसला तुहाडा हल हो गया। देखो जी गुलाड़ तो मैनू शिकायत लोगों की आई सी कि उत्थे जिहड़ी PWD डिपार्टमेंट दी पुलियां ने वो बंद ने, जिन्हां दे करके पानी की निकासी नहीं हो पा रही सी। ए इशू एक दो दिन काफ़ी चलिया, SDO ड्रेनेज ते JE उन्हां दे पुनीत ते मेरी बाकी टीम भी उत्थे रही है, दो दिन रह के असीं लोगों नूं बिठा के उन्हां दी सहमति दे नाल जिन्नियां पुलियां खुलवा सकदे सी ओह असीं खुलवा दित्तियां। जिहड़ियां लोगों की प्राइवेट जगह च हुंदियां ने उत्थे सरकार दी मजबूरी हुंदी है, लेकिन जिन्ना असीं उत्थे फ्लो कंटीन्यूअस करवा सकदे सी ओह असीं करवा दित्ता है। लोगों का उत्थे सानू रिटन दे विच उन्हां ने सानू सहमति भी अपनी दे दित्ती है कि हुण जिहड़ा उत्थे हल करवाया उहदे नाल संतुष्ट ने, क्योंकि दो दिन बरसाती पानी ज़्यादा हो गया, इस करके लोगों के खेतों के भी पानी गया। उहदे रिगार्डिंग जेकर किसी का कोई खराबा होया तो पटवारी जरूर उन्हां नूं नोट कर लेंगे जेकर कोई किसी का फसल का नुकसान होया, पर जिथों तक मैनू इनफॉर्मेशन है कि इस तरीके का हले तक कोई नुकसान जिहड़ा है वह नहीं होया। ड्रेनेज विभाग ने मैनू दस्या है कि इत्थे एक प्रोजेक्ट जरूर हैगा पाइपलाइन दे विच, लेकिन वह अजे अपरूव नहीं होया, उहदी टैक्निकल अपरूवल अजे तक नहीं आई। सो जिनी देर तक उहदी अपरूवल नहीं आती वह प्रोजेक्ट का काम जिहड़ा शुरू नहीं हो सकता। सच ते पैरा TV लई सतपाल गर्ग की रिपोर्ट।